हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एक्चुअल बायोलॉजी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द हेजहॉग सिग्नलिंग इन ड्रोसोफिला। ठीक है, तो ड्रोसोफिला के अंदर हम करने वाले हैं हेजहॉग सिग्नलिंग। तो सबसे पहले एक बात आती है कि व्हाट इज हेजहॉग। हेजहॉग क्या होता है? हेजहॉग इज एन सेगमेंट पोलरिटी जीन्स, सेगमेंट पोलरिटी जीन्स। ओके, तो सेगमेंट पोलरिटी जीन्स क्या करेंगे? सेगमेंट पोलरिटी जीन्स प्रोवाइड द पोलरिटी टू द ड्रोसोफिला। ओके, सो जीन्स को पोलरिटी प्रोवाइड करके जाएगा। ठीक है, सो व्हाट इज हेजहॉग सिग्नलिंग। ठीक है, तो इसके अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग है, तो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, सो देर इज टू केस। वन इज हेजहॉग प्रेजेंट एब्सेंट, एंड सेकेंड इज हेजहॉग प्रेजेंट। ओके, सो क्या होने वाला है? जब हेजहॉग एब्सेंट रहेगा, देन सेकेंड क्या है? हेजहॉग प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, सो फर्स्ट हम केस हम लेके चलते हैं इसके अंदर। फर्स्ट क्या है? सबसे पहले कि कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द हेजहॉग सिग्नलिंग। सो पैच रिसेप्टर इज प्रेजेंट ऑन द हेजहॉग सिग्नलिंग। ओके, इन द हेजहॉग सिग्नलिंग। तो पैच रिसेप्टर जो है, कितना ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है? इट इज एन 12 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, सो इट इज एन 12 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, और बोल सकते हैं कि रिसेप्टर्स। ओके, देन एक प्रोटीन बाइंड रहता है पैच रिसेप्टर के साथ में इन द सिचुएशन विच सिचुएशन एब्सेंस ऑफ हेजहॉग। तो हेजहॉग की एब्सेंट होगा तब क्या होगा? स्मूदन प्रोटीन बाइंड रहेगा किसके साथ में? पैच रिसेप्टर के साथ में। तो स्मूदन इज एन 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ओके, सो क्या करेगा? पैच रिसेप्टर गेट्स इनएक्टिवेट द स्मूदन प्रोटीन। अगर क्या है कि पैच रिसेप्टर बाइंड है किसके साथ में? स्मूदन प्रोटीन के साथ में। तो क्या करेगा? मतलब स्मूदन प्रोटीन को क्या कर देगा? इनएक्टिवेट कर देगा। क्या? पैच रिसेप्टर मीन्स इनएक्टिव। तो क्या होगा? मीन्स इन द प्रेजेंस अब्सेंस ऑफ सॉरी इन द अब्सेंस ऑफ हेजहॉग हेजहॉग तो क्या होगा? स्मूदन प्रोटीन गेट्स इनएक्टिव। ओके, सो अब क्या होने वाला है कि हेजहॉग अपने पास एब्सेंट है तो क्या होगा? एक प्रोटीन का नाम है, इट इज इन CI। CI क्या करता है? एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वर्क करता है, कि इसको बोलते हैं CIA एक्टिवेटर। ओके, सो क्या होगा? तो इन द एब्सेंस ऑफ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स गेट अटैच्ड टू द CI। ओके, CI मीन्स CI एक्टिवेटर प्रोटीन। ओके, CIA मैंने लिख रखा है। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स मीन्स कोस प्रोटीन काइनेज A, FU, SUFU and GSK, then SCF protein gets binded form, means these proteins are gets bounded form with the CIA. Okay, तो CIA क्या होगा यहाँ पे? तो ये एक destruction box बन जाएगा जो कहाँ पे bind रहेगा? at a microtubules. Okay, so क्या होगा? तो अब क्या होगा? These proteins gets degrade the CIA. Okay, क्या करेगा? Degrade the CIA means activator protein को degrade कर दिया। So this after the degradation of CIA तो क्या होगा? CI protein जो है it will convert into CI repressor। Okay, CI protein convert हो जाएगा किसके अंदर? CI repressor के अंदर। अगर CI repressor हो गया तो transcription it will block the transcription। Okay, as well as translation। Okay, तो transcription नहीं होगा तो translation भी नहीं होगा। So उस केस के अंदर क्या होगा? अगर हम बात करें तो क्या होगा? CI जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो क्या करेगा? मींस जो DNA के ऊपर अपने पास बाइंडिंग डोमेन होता है उसके मतलब क्या होगा? DNA बाइंडिंग डोमेन है, मींस न्यूक्लियस लोकलाइजेशन सिग्नल है। ठीक है, देन क्या होगा? मतलब DNA बाइंडिंग डोमेन है या फिर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटेड डोमेन है। ठीक है, सो CI रिप्रेसर क्या करेगा? इट विल क्लीव द ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटेड डोमेन। CIA क्या करेगा? जो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटेड डोमेन है इसको ही क्लीव कर देगा। ठीक है, तो अगर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर अगर क्लीव हो गया तो क्लीवेज होने के बाद में क्या होगा कि मतलब ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इन द अब्सेंस ऑफ हेजहॉग देर इज नो ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस ऑफ हेजहॉग जीन्स, और बोल सकते हैं कि प्रोटीन। ओके, सो अब ये तो केस हो गया कि अब्सेंस के अंदर क्या हो रहा है, देन क्या होगा?
कि जब हेजहॉग प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, हेजहॉग वर्क एज ए लाइगेंड हेयर, ओके ठीक है, तो एज ए लाइगेंड आके यहाँ पे बाइंड होगा किसके ऊपर, किसके ऊपर, पैच रिसेप्टर के ऊपर, ठीक है, एज ए लाइगेंड बाइंड होगा। तो मैंने बताया था कि पैच रिसेप्टर इज एन 12 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर, ओके, तो यहाँ पे 12 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर है। तो आफ्टर द बाइंडिंग ऑफ हेजहॉग प्रोटीन और हेज लिगेंड, ओके, आफ्टर द बाइंडिंग ऑफ हेजहॉग बिकॉज इट इज वर्क एज लिगेंड हेयर, ओके, सो क्या होगा, स्मूदन प्रोटीन गेट सेपरेटेड फ्रॉम द पैच रिसेप्टर, ओके, देन इट विल कन्वर्ट इन टू एक्टिवेट फॉर्म, ओके, सो अब यहाँ पे क्या है, एक्टिवेट फॉर्म के अंदर है स्मूदन प्रोटीन, ओके, तो स्मूदन प्रोटीन अगर एक्टिवेट फॉर्म के अंदर है तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन बॉक्स बना था, जो किसका काम कर रहा था, मींस डिग्रेड करता कर रहा था CIA को, वो क्या करेगा, डिग्रेड नहीं कर पाएगा, बिकॉज CI क्या है, एक्टिवेटर प्रोटीन है, ठीक है, CI मीन्स एक्टिवेटर प्रोटीन, बट आफ्टर द डिग्रेडेशन बोल सकते हैं कि क्या होगा, ये रिप्रेसर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे एज ए रिप्रेसर काम कर रहा था, देन यहाँ पे क्या होगा, दो दीज प्रोटीन्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, तो सबसे क्या होंगे, प्रोटीन्स क्या है, सेपरेट हो जाएंगे और क्या करेंगे, देन PKA एंड GSK क्या करेंगे, फोस्फोराइलेट द स्मूदन प्रोटीन, ओके, तो आफ्टर द फोस्फोराइलेशन क्या होगा, सम प्रोटीन्स बाइंड विद द स्मूदन, क्या होंगे, प्रोटीन कौन सा है, वन इज कोस प्रोटीन एंड देन इज सेकेंड इज फुसू प्रोटीन, सुफू SUFU प्रोटीन, ओके, दीज प्रोटीन बाइंड विद द स्मूदन प्रोटीन, ओके, तो आफ्टर अगर ये यहाँ पे बाइंड हो गए तो यहाँ पे मेरे पास में क्या होगा, जो CI जो था CI प्रोटीन जो एक्टिवेटर था वो क्या है, गेट सेपरेट, ओके, तो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब सेपरेट हो जाएगा सबसे प्रोटीन, तो क्या होगा, वो यहाँ पे डिग्रेडेशन हो पाएगा CIA का, नहीं, यहाँ पे कोई भी डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगा CIA का, सो क्या होगा, इन केस क्या होगा, इट विल गोज टू द न्यूक्लियस, ये जाएगा न्यूक्लियस के अंदर और क्या करेगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन जो है इसको स्टार्ट कर देगा, बिकॉज CIA इज ए एक्टिवेटर प्रोटीन हेयर, ओके, तो मतलब जितने भी जो मतलब अगर बोला जाए कि हेजहॉग क्या करेगा, यहाँ पे वेंट जीन का ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ओके, सो वेंट जीन का ट्रांसक्रिप्शन करेगा, तो वेंट जीन इज एन ऑल्सो ए सेगमेंट पोलरिटी जीन्स इन टू द ड्रोसोफिला, ठीक है, सो क्या करेगा समुदन, तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द हेजहॉग प्रेजेंट एंड हेजहॉग एब्सेंट, मींस द मेन रोल ऑफ हेयर इज CIA प्रोटीन, ओके, तो क्योंकि CIA प्रोटीन इज ऑल्सो वर्क एज ए रिप्रेसर हेयर एंड ऑल्सो वर्क एज ए एक्टिवेटर हेयर, ओके, सो रिप्रेसर कब होगा, रिप्रेसर मीन्स दीज प्रोटीन्स गेट्स डिग्रेड द CIA एंड इट विल कन्वर्ट इन टू, मीन्स क्या होगा, CIA रिप्रेसर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्टिवेटर है, तो इट विल लीड्स टू द ट्रांसक्रिप्शन एंड क्या करेगा, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर देगा, वेंट जो प्रोटीन है वहाँ पे बनाएगा, वेंट इज एन ऑल्सो ए सेगमेंट पोलरिटी जीन्स, सो के ओके, इट इज ऑल अबाउट द हेजहॉग सिग्नलिंग इन ड्रोसोफिला। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, अगर वीडियो समझ में आई है लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।